हाँ, जैसे हमने क्या बोला, हमने क्या बोला बेटा कि जो पहली वाली बॉल है उसके संग क्या घटना हो रही है, पहली वाली बॉल के संग क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। और जो दूसरी वाली बॉल है वो क्या कर रही है, एनर्जी, एनर्जी क्या कर रही है, गेन कर रही है। क्या बोलते हो बच्चों, ये बोला क्यों ऑनलाइन, पहली वाली बॉल लॉस कर रही है और दूसरी वाली बॉल क्या कर रही है, गेन। अब अगर मैं कहता, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता कि टोटल एनर्जी तो कंजर्वड ही हो, ये आगे मैं WP में भी यूज करूंगा, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कि टोटल एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी, तो उसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी पहले वाले ने लॉस करी उतनी ही एनर्जी दूसरे वाले ने क्या करनी चाहिए, गेन करनी चाहिए। मैंने बोला ना, मेरे पास 100 रुपए हैं, कुणाल के पास भी 100 रुपए। अगर मैंने कुणाल को 50 रुपए दे दिए तो इसकी जेब में कितने मिलना चाहिए, कितने मिलना चाहिए इसकी जेब में, नहीं कितने रुपए मिलना चाहिए इसकी जेब में। मेरे पास 100, कुणाल के पास 100, मैंने इसको 50 रुपए दिए तो इसकी जेब में 150 मिलना चाहिए और मेरी जेब में, अगर इसकी जेब में 200 मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं से इसने और माल भी उठाया है, तो फिर मैं नहीं कहूंगा हम दोनों की मनी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर भी ऐसा है क्या, सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है कि द परसेंटेज लॉस ऑफ फर्स्ट बॉडी, बस आप पहले वाली बॉडी का परसेंटेज लॉस निकाल लो भाई, किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज गेन ऑफ सेकेंड बॉडी, बट इट इज वैलिड ओनली कब, नहीं, मार्क्स तो ठीक है, नहीं, इट इज वैलिड ओनली व्हेन द कॉलिजन इज इन इलास्टिक, बट अगर इन, सॉरी, इलास्टिक, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो वहां पर क्या होगा, परसेंटेज लॉस ऑफ फर्स्ट बॉडी जो है दैट विल नॉट इक्वल टू परसेंटेज गेन ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है। दिस इज फॉर, ये किसके लिए है, सर सर अगर मास्टर्स अलग रहेंगे तो, हाँ वो भी बताऊंगा ना, आगे बताऊंगा, पहले ये समझ में आ गया क्या। अब सुनो जल्दी, देखो फटाफट, मैं बताऊंगा ना, मास डिफरेंट वाले चिंता क्यों करो बेटा, अभी चालू किया, चल अभी बाकी मेरे दोस्त डिफरेंट होंगे तब भी पढ़ेंगे ना, इसको बोलते हैं, अब बोलते बोलते मास डिफरेंट करेंगे ना क्वेश्चन। एक मिनट, बट डिफरेंट मार्क्स में चिंता क्यों करते हैं, पहले आइडेंटिकल वाले तो कर लें एक बार, सारे आइडेंटिकल वाले। हाँ सुनो, आइडेंटिकल में ऐसा क्वेश्चन है क्या बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, अब देखना जो तुम बोले थे ना कि क्यों जरूरी है, देखो सुनो, इसकी स्पीड है 10, इसकी स्पीड है 5, क्या बच्चों, दोनों बोल दिया आइडेंटिकल मास है, इसका मास भी है एम और इसका मास भी है एम, सही है। क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो शब्दों में कैसा लिखेंगे, क्या बोलेंगे, टू आइडेंटिकल बॉल, बेटा ये माइक बंद करो, किसका है, टू आइडेंटिकल बॉल अप्रोचिंग, ये कौन कहाँ बैठा है, माइक बंद करो भाई, हाँ, टू आइडेंटिकल बॉल अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोच मतलब विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूंगा, अभी ये ओरल बनाए, सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा फाइंड द वेलोसिटी क्या आफ्टर कॉलिजन, क्या पूछूंगा, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, और वही पूछूंगा क्या, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज, हर चीज में अपन यही निकाले, लॉस गेन, और ताकि वो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से हो जाए। अब मेरे को बताओ, एक मिनट, यहाँ कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्यों क्यों यहाँ एक्सचेंज हो जाएगी, क्यों ऑनलाइन वाले बच्चों, तो, सुनो सही, एक मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या बोला था कि, मैंने क्या बोला था कि कंक्लूजन क्या था कि अगर बॉल्स एक्सचेंज, यही तो गलती होती है,
लोग क्या करते हैं, सिर्फ आइडेंटिकल को बोलकर याद कर लेते हैं। आइडेंटिकल होना ही एक्सचेंज करने की कंडीशन नहीं है, आइडेंटिकल तो होना चाहिए, साथ साथ कॉलिजन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन में आइडेंटिकल बॉल के साथ इन इलास्टिक कॉलिजन भी करवा दूंगा। अब इस पॉइंट में आकर्षण है, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ पॉइंट में ऐसा आकर्षण होता है कि सुनते से वो याद हो जाते, मानो वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इस पॉइंट में भी आकर्षण कि जैसे आप सुनते हो याद तो हो जाता, बट आधा आधा क्या कि लोग याद कर लेते हैं कि आइडेंटिकल बॉल है तो तेरी वाली मेरी, मेरी वाली तेरी, बट आपको साथ साथ क्या बोलना है कि आइडेंटिकल और इलास्टिक। चलो बच्चों अब सुनना, इस क्वेश्चन से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बताओ इस पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी कॉलिजन इलास्टिक बोला है क्या? पढ़ लो जरा, तो लिखा होगा क्वेश्चन में, इसलिए तुम्हारा बोला जल्दीबाजी मत करना। सुनो यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एज्यूम द कॉलिजन इज इलास्टिक, तब वो पॉइंट क्या होगा आपका वैलिड। अब सुनो इसको प्रूफ भी करेंगे फिर से आप लोग करना, बट अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। यूज कैसे करते हैं बच्चों, देखो ऑनलाइन वाले, तो ये पहले नंबर की बॉल है, ये टक्कर दे रही है कि ले रही है, पहले नंबर की ये वाली ये दे रही है, और ये कौन सी बॉल है दूसरे नंबर की जो टक्कर दे रही है। एक मिनट बच्चों लिखो मत, एक बार देख लो, तो जो टक्कर दे रही है इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, जो टक्कर ले रही है उसकी कितनी है, भले ही वो सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, फॉर्मूलेस कभी चेंज, अपोजिट में बस एक को माइनस, बट हमारे पास तो डायरेक्टली पॉइंट है, तो चूंकि उसने देखा कि ओ आइडेंटिकल है इलास्टिक है, तो उसने फट से याद कर लिया, भाई तू मेरी वाली ले ले, मतलब क्या मैं 10 ते को दे दूं और तू 5 मेरे को, ये आपस में क्या कर लेंगे इंटरचेंज विद द डायरेक्शन। तो इंटरचेंज कैसे करेंगे, देखो इंटरचेंज कैसे करेंगे, ये पहली वाली बॉल है और ये दूसरी वाली बॉल, ये कौन सी है, ये वाली कौन सी है, पहली वाली, और ये कौन सी है दूसरी वाली। तो देखो पहली वाली अपनी 10 किसको दे देगा, दूसरी वाली बॉल को, तो जो ये दूसरी वाली बॉल है इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, डायरेक्शन क्या मिल जाएगी इसको ऐसी, तो ये 10 से किधर चले जाएगा ऐसा, और जो ये दूसरी वाली बॉल है ये क्या कर देगा, इस अपनी 5 किसको दे देगा इसको, और इसके पास डायरेक्शन कैसी थी ऐसी, तो इसके 5 कैसी हो जाएगी 5। सिम्बॉलिक ये किसकी वैल्यू होती बच्चों, V1 की, और ये किसकी वैल्यू है V2, ये किसकी वैल्यू होती है U2 की, ये किसकी वैल्यू होती है। अब ये मेडिकल का ही क्वेश्चन, इसमें प्रूफ करोगे तो वहां टाइम लगेगा, वहां गलती हो सकती है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली याद करेंगे क्या कि आपस में वो लोग क्या कर लेंगे, अल्टा पलटा कर लेंगे, तो इसने अपनी 10 उसको दे दी और इसने अपने 5 इसको, तो कॉलिजन के बाद में इसकी कितनी हो गई 5 और इसकी कितनी हो गई 10। क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में है क्या बात? यस सर। जब मास अलग होंगे जब बात करें, क्यों बेटा दिव्या अब तुम किसी की शादी हो रही हो और वहां जाके सवाल पूछने लग जाओगे यार इसके बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाना है, मैथ दिलवाया कि बायोलॉजी दिलवाया, नहीं ये पूछ रही ना, तो सवाल ऐसे ही हो गया कि नहीं हो गया, ये वो बोले यार भाई शादी तो जानते, उसके बाद समझेंगे आगे भी बच्चा भी होगा, मैथ्स भी दिलवाएंगे, फिजिक्स सब दिलवाएंगे, केमिस्ट्री, तो मतलब अभी आइडेंटिकल तो पढ़ लें बेटा, कल हम लोग मासेस भी डिफरेंट करेंगे, चिंता मत करो, कल का मतलब इट इज ऑलवेज अ नेक्स्ट वर्किंग डे। बच्चों समझ में आ रही क्या बात मेरी, नोट सेंड कर दो ना सर, क्या कर दो, नोट सेंड कर दो, क्या कर दो, क्या एक्सप्लेन कर दो सर, नोट सेंड कर दो, नोट्स का क्या करोगे बेटा, यशस्वी मेहनत मेहनत करो, कल यहाँ आ जाओ तुम, परसों से तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे, आओगे कि नहीं आओगे, यस सर आओ आ जाओ यार,